अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है कि वो जो भी हैं अपने पिता मुलायम सिंह यादव की वजह से, लेकिन वक्त बीतता रहा और अखिलेश निखरते चले गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी को चारों खाने चित कर दिया और अब माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर अखिलेश ने एक और बड़ा सियासी दांव चला है, जिसके चलते उनके विरोधी भी हैरान हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। हमारे देश की राजनीति में जातियों को साधना एक कला है और जो भी इस कला में निपुण हो जाता है उसका सिक्का सियासत में खूब चलता है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जातियों को साधना न सिर्फ जरूरी है बल्कि इसके बिना किसी पार्टी का सियासी गुजारा ही नहीं हो सकता। अब देखिए, पीडीए के नारे ने समाजवादी पार्टी को संसद में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, तो वहीं सपा से मिली हार के बाद बीजेपी को भी आत्ममंथन करने के लिए मजबूर कर दिया। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से टिकट बांटे उस पर कहा यह जा रहा था कि इसका चुनाव में कोई असर नहीं होगा और बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के आगे पीडीए की हवा निकल जाएगी, लेकिन जब नतीजे आए तो सपा की पांचें खिल गई और दूसरी तरफ बीजेपी खेमा मायूस हो गया। अब एक बार फिर से अखिलेश ने अपने एक फैसले से सबको चौंका दिया। दरअसल लोकसभा में अखिलेश को सपा का संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद माना यह जा रहा था कि अखिलेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी पीडीए से आने वाले किसी नेता को सौंपेंगे, लेकिन इसके उलट अखिलेश ने अगड़ी जातियों को साधने के लिए माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर अपने राजनीतिक विरोधियों को मुश्किल में डाल दिया। मुश्किल में इसलिए क्योंकि जिस तरह से राजनीति अभी तक बीजेपी करती है, जिस तरह की राजनीति वो करती आई है, अखिलेश ने उसकी काट भी उसी राह पर चलकर ढूंढ ली। यादव मुस्लिमों की सियासत करने वाली सपा ने बीजेपी को शिकस्त देने के लिए बीजेपी की ही रणनीति के आधार पर चलकर 2027 में जीत का सपना देखना शुरू कर दिया, और इसमें कुछ गलत भी नहीं क्योंकि युद्ध है, सब कुछ जायज होता है युद्ध में। माना जा रहा है कि 2024 में गैर यादव ओबीसी और दलित वोटरों ने दिल खोल कर सपा को वोट दिया, जिसकी वजह से 5 सांसदों वाली सपा का आंकड़ा 37 तक पहुंच गया। अखिलेश यादव जानते हैं कि पीडीए के साथ साथ अगड़ी जातियों को साधना भी जरूरी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव था, लेकिन 2027 में होने वाले विधानसभा इलेक्शन में जातियों की भूमिका बढ़ जाएगी और घूम फिर कर हर विधानसभा सीट पर जातियों को ध्यान में रखकर रणनीति बनानी पड़ेगी। यूपी में बीजेपी हमेशा से अगड़ी जातियों की पहली पसंद रही है और 2022 के विधानसभा चुनाव में सवर्णों के साथ आने से बीजेपी की लगातार दूसरी बार जीत हुई। शायद इसी को ध्यान में रखकर अखिलेश ने लीग से हटकर यह फैसला किया, लेकिन ऐसा नहीं कि अखिलेश ने पीडीए के फॉर्मूले को ठुकरा दिया है। अखिलेश ने पीडीए का भी पूरा ख्याल रखा है। सपा ने विधानसभा में लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, साथ ही विधानसभा में मुस्लिम समुदाय के कमाल अफ्तर को मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप बनाया है, और तो और उप मुख्य सचेतक के पद पर कुर्मी समाज के बड़े चेहरे डॉक्टर आर के वर्मा की ताजपोशी की है। तो एक तरफ अखिलेश न केवल विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं बल्कि दूसरी तरफ 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी उन्होंने साफ साफ संदेश दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सियासी फायदा उठा सके। तो आइए अब आपको बताते हैं कि जिन माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है उनका नाम तय कैसे हुआ। तो कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करने से पहले विधायकों के साथ बैठक की, अपने करीबियों के साथ एक और 10 मिनट की मीटिंग की। उस मीटिंग में शिवपाल यादव और माता प्रसाद पांडे दोनों ही नहीं थे, दोनों नेता पहले ही पार्टी मुख्यालय से निकल गए थे। इस बैठक में पहले लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए इंद्रजीत सरोज का नाम तय हुआ, तो ये कहा गया कि वो बहुजन समाज पार्टी से सपा में आए, पुराने समाजवादियों के साथ इनका तालमेल बन पाएगा या नहीं इस पर संदेह है। और कई नेताओं ने ये भी कहा कि अगर दलित समाज के ही नेता को बनाया जाना है तो क्यों ना तूफानी सरोज को बना दिया जाए, लेकिन माना गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मुकाबला करने के लिए वो मुफीद नहीं थे। सपा के पुराने नेताओं ने कहा कि कई विधायक उनसे भी ज्यादा सीनियर हैं, सदन में कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे नेताओं से उनकी राय अलग हो और विधानसभा में पार्टी की किरकिरी हो जाए, इसलिए उनका नाम भी खारिज हो। फिर उस नाम के बारे में चर्चा शुरू हुई जिसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही थी, और वो थे अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव। कहा गया कि उनके नाम पर भी सहमति नहीं बन पाई। दरअसल विधान परिषद में पहले से ही यादव जाति के नेता प्रतिपक्ष बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा परिवारवाद के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को एक बार फिर अखिलेश यादव को घेरने का एक मौका मिल जाएगा अगर शिवपाल का नाम आगे आता है। इस वजह से उनका नाम भी खारिज हो गया। इसके बाद नाम सामने आया अनुभवी माता प्रसाद पांडे का। तो माता प्रसाद के नाम पर ज्यादातर नेताओं ने अपनी सहमति जाहिर की, लेकिन उनकी उम्र को लेकर सवाल भी उठे।
और तय किया गया कि फिलहाल माता प्रसाद को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। तो फैसला होते ही तत्काल आदेश जारी करने को कहा गया, क्योंकि विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होनी थी, इसमें सपा की नुमाइंदगी के लिए नेता प्रतिपक्ष को शामिल होना था। ये भी जान लीजिए कि कौन कौन सी खूबियां थीं उनमें जो अखिलेश ने कई दिग्गजों को दरकिनार करते हुए माता प्रसाद को ही चुना। दरअसल सपा इस वक्त पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति को आगे बढ़ा रही है, जिसका फायदा सपा को लोकसभा चुनाव में मिला भी। लेकिन पीडीए का अपना साइड इफेक्ट भी है। कहा जा रहा है कि पीडीए की वजह से मैसेज ये जा रहा था कि पार्टी अगड़ों यानी ब्राह्मण ठाकुर वैश्य को दरकिनार कर रही है। पार्टी माता प्रसाद पांडे की ताजपोशी से ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ पीडीए ही नहीं, ए टू जेड यानी पार्टी सबकी चिंता करती है। तो माता प्रसाद को चुनने में एक बड़ी वजह ये भी रही कि यूपी में करीब 12% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर्स कई विधानसभा में ये प्रभावी भूमिका अदा करते हैं। यूपी में 115 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर ब्राह्मण वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव है। यूपी में 14% से ज्यादा ब्राह्मण वोट वाले 12 जिले हैं, इनमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, प्रयागराज, ये सब जिले शामिल हैं। शायद यही वजह है कि सभी पार्टियों ने इस वर्ग के नेताओं को तवज्जो दी। अब तक यूपी के 21 में से 6 सीएम ब्राह्मण रहे हैं। वहीं 2017 से बीजेपी पहले से ही ब्राह्मण जाति से एक डिप्टी सीएम बनाकर अपना हित साधती रही है। अब अखिलेश ने भी ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश की है। हाल ही में सपा के विधायक मनोज पांडे, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी बगावत कर चुके हैं। इससे ब्राह्मणों में मैसेज ये गया कि उनके नेताओं की सभा में अनदेखी की जा रही है, तो इस फैसले से इस पर भी रोक लगी। माता प्रसाद पांडे की गिनती सभा के सबसे पुराने नेताओं में होती है। वो मुलायम सिंह के बेहद करीबियों में रहे हैं, साथ ही माता प्रसाद 2 विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए उनका विरोध पार्टी में नहीं हो सकता। माना जाता है कि माता प्रसाद पांडे के शिवपाल यादव से भी अच्छे संबंध हैं, इसलिए चाचा भी नाराज नहीं हो सकते। ये भी आपको बता दें कि 1993 में बनी समाजवादी पार्टी के पास विधानसभा में 7 नेता प्रतिपक्ष चुनने का मौका था। 2 मुलायम सिंह यादव, 1 धनीराम वर्मा, आजम खान, शिवपाल सिंह, राम गोविंद चौधरी, अखिलेश यादव, ये सब नेता प्रतिपक्ष रहे। मतलब 4 मुलायम परिवार ने नेता प्रतिपक्ष का पद अपने पास रखा। वहीं पार्टी के इतिहास में पहली बार किसी अगड़े को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का ओहदा दिया गया। खैर, कहा जाता है कि वक्त इंसान को बदल देता है। यादवों और मुस्लिमों की पार्टी कही जाने वाली सपा ने गुजरते वक्त के साथ साथ अपने आप को बदला है, और यकीनन बदला है। इसका फायदा, सीधा फायदा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हुआ भी। बीजेपी की तरह अखिलेश भी अब जातियों को साधने की कवायद में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि 2027 की राह में किसी भी तरह की परेशानी का सपा को सामना करना पड़े, लिहाजा माता प्रसाद पांडे के जरिए अखिलेश ने अगड़ों को साधने की ये कोशिश की। अब ये कोशिश कितनी रंग लाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अखिलेश की इस राजनीतिक परिपक्वता ने उनके विरोधियों को पसोपेश में जरूर डाल दिया है, क्योंकि अब उनसे ना इस निर्णय की तारीफ ही करते बन रहा है और ना ही वो खुलकर इसकी निंदा ही कर पा रहे। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।